वेलकम टू माय टेक्निकल टिप्स। दोस्तों आपका एक बार फिर टेक्निकल टिप्स में वेलकम है। दोस्तों तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी पार्टीशन बना सकते हैं। जैसे कि हमारी एक पार्टीशन अगर 100 GB की है तो हम दो पार्टीशन है उसमें से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक 50 GB की और दूसरी 50 GB की। जैसे हमारी डी ड्राइव 200 GB की, तो 100 GB मैं ई ड्राइव में लगा दूं और 100 GB हमारी डी ड्राइव में हो, तो हम ये विंडोज़ के अंदर कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम माई कंप्यूटर में आ जाएंगे। दोस्तों ये देखिए मेरी जो पार्टीशन है, जो सिंपल मेरी पार्टीशन है वो 208 GB डी ड्राइव जो है वो हमारी 208 GB की है, 211 GB की है, यानी कि 3-4 GB का मेरा डेटा बढ़ा है यहाँ पे। तो मैं सिंपली इसे 100 GB की एक और पार्टीशन ई ड्राइव बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरी और पार्टीशन क्रिएट है, तो नॉर्मली हम यहाँ पे कोई और यहाँ पे ई पार्टीशन या तो फिर एफ पार्टीशन क्रिएट करना चाहता हूँ 100 GB का। तो यहाँ से मैं कट करके पार्टीशन की स्पेस न्यू ड्राइव कैसे दे सकता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके मैनेज में आ जाऊँगा, और मैनेज में आने का के बाद डिस्क मैनेजमेंट में आ जाऊँगा। डिस्क मैनेजमेंट में दोस्तों आ जाऊँगा मैं, यहाँ पर हमारा ओपन हो रहा है डिस्क मैनेजमेंट। थोड़ा टाइम लेती है न्यू अगर आप विंडो पर हो तो, यहाँ पे नीचे कनेक्टिंग डिस्क सर्विस कर रहा है। तो दोस्तों ये देखिए मेरी पार्टीशन आ चुकी है। दोस्तों मैंने अपनी अपनी हार्ड डिस्क मैंने अपने सीपीयू में दो लगा रखी हैं, डिस्क 0 डिस्क 1। तो सिंपली जो हम सीखना चाह रहे हैं वो ये है डिस्क 0। तो डिस्क 0 में ये जो हमारी 211 GB की पार्टीशन थी, ये देखिए आपने जो सी भी पार्टीशन से स्पेस निकाली है आप वो ही पार्टीशन उससे ही स्पेस निकालेंगे। मैं डी से निकालना चाहता हूँ 211 GB, तो यहाँ पर देखिए 211 GB है। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, और राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे चेंज श्रिंक वॉल्यूम के आने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा, यहाँ पे जैसे कि मैंने 105 GB की मैंने पार्टीशन बनानी है, तो मैं यहाँ पे सिंपली टाइप कर दूँगा 10500, तो 10500 MB। यहाँ पे मैं एक और ज़ीरो लगा दूँगा, यानी कि ये इतने MB हो हमारी। यहाँ देखिए ये हमारी MB है, तो श्रिंक हम कर देंगे। तो श्रिंक करने के बाद ये देखिए दोस्तों हमारी पार्टीशन क्रिएट हो गई है 102 GB की, और जो हमारी पहले की पार्टीशन थी वो हमारी 108 GB की हो चुकी है। देखते हैं, चेक करते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों ये देखिए मेरी यहाँ पे तो 108 GB शो कर रहा है, लेकिन हमारी जो न्यू पार्टीशन है 102 GB की, तो वो यहाँ पे नहीं आई। वो क्यों नहीं आई? क्योंकि हमने आधा काम किया है यहाँ पे, अभी अनलॉकेड है। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू सिंपली वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट दे देंगे, हाँ हमने इतने ही MB यूज़ करनी है। नेक्स्ट एच ड्राइव बनाना चाहते हैं, जौन से भी आप ड्राइव बनाना चाहते हैं उसका हम आप नाम टिक कर लोगे, तो नेक्स्ट हम कर देते हैं। और जो फॉर्मेट जो हमारे फॉर्मेट हो वो ऐसे हो, तो नेक्स्ट कर देंगे और फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी पार्टीशन क्रिएट हो चुकी है। देखिए दोस्तों हमारे पार्टीशन क्रिएट का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे हम सिंपली अब माई कंप्यूटर में चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मेरी एच ड्राइव आ गई है 102 GB की। इस पे मैं अपना रीनेम करके अपना नाम भी सेट कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो कि हम कैसे एक पार्टीशन से दूसरी पार्टीशन में अपनी डेटा अपनी स्पेस दे सकते हैं। दोस्तों इसमें यह है कि आपकी जो हमने डी ड्राइव में अपनी स्पेस निकाली, अच्छी ड्राइव बनाई, तो इसमें से जो मेरी डेटा पड़ी है वो
मेरी डेटा पड़ी होगी, यानी कि मेरी डेटा ये डिलीट नहीं होगी, वो डेटा मेरी पड़ी ही रहेगी, वो डिलीट नहीं होगी, वो कहीं नहीं जाएगी। जो हमारी न्यू पार्टीशन क्रिएट होगी उसमें आप अपने हिसाब से डेटा रख सकते हैं। तो सिंपल दोस्तों, आप आज की हमारी ये वीडियो थी, आपने मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब के बाद आपने बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर देना है, जैसे कि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपने अगर मेरे से कोई गलती होगी हो तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।